हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो कुछ बात करते जी आज के वीडियो के, भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज ट्राई करने जा रहा जी भाई चुक्का पोटा कलेजी या पोटा कलेजी चुक्का बोल लो। तो चलिए स्टार्ट करते जी बराना, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते जी बराना। भाई आप ये देख रहे क्या, ये जी पोटा, ठीक है, एंड ये जी कलेजी। भाई बिना कलेजी के पोटा नहीं और बिना पोटे के कलेजी नहीं, भाई ये तो जोड़ी है, ठीक है जी। तो ये जी करीब 800 ग्राम है और ये 500 ग्राम है, ठीक है। अब करते जी नेक्स्ट कार्रवाई। तो जी नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से जी कढ़ाई लगा दी है जी, तेल डाल दिया, ये वही तेल है जिसमें मैंने अपने प्याज भाई ब्राउन किए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसके गर्म होने का हम वेट करते हैं। तो जी तेल गर्म हो चुका हुआ है, तो अब कार्रवाई इस प्रकार से कि हमको सबसे पहले भाई पोटा को फ्राई करने का है, ठीक है। जो पोटे हैं पहले वो फ्राई होंगे। तो डालो सारे के सारे जितने आपके पास पड़े हुए हैं। तो कलेजी को हमको अलग से फ्राई करने का है, तो लगे हाथ डालो जी इसके ऊपर अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। तो जी मिला लो। तो अब इसे आपने करीब 8 मिनट को अपने हाई फ्लेम पे फ्राई करते रहना है, ठीक है जी। और जी रियली सॉरी भाई, नमक डालना भूल गया है, नमक ही डालना है, पर ज्यादा नहीं अभी रोक के, ठीक है जी। तो दोस्तों करीब 8 नहीं पूरे 10 मिनट हो गए इसको फ्राई होते हुए, भाई पोटे ने बहुत पानी छोड़ा, ठीक है जी। अब इसे हमने और फ्राई करना है, जब तक ये ऑयल जो है वो दिखे ना हमें, वाटर पूरा एब्जॉर्ब होना चाहिए, ठीक है जी। तो लो जी पोटे अपने फ्राई हो गए, मैं गैस का फ्लेम लो कर रहा हूँ, ठीक है जी, इसे मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है जी। तो जी पोटे मैंने निकाल दिया, इसी तेल में आप भाई कलेजी भी फ्राई करोगे, ठीक है जी। डाल दो सारे के सारा, और लगे हाथ इसमें भी डालोगे जी आप अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी, और हल्का सा नमक, ठीक है जी। जी गैस का फ्लेम हाई कर लो और इसे अब फ्राई करो आप, ठीक है जी, करीब 6 से 7 मिनट के लिए इसे भी। तो लो जी कलेजी भी भाई अपनी फ्राई हो गई है, अपनी नहीं मुर्गे की, ठीक है जी। अब गैस का फ्लेम बंद करता हूँ और मैं इसे अब अलग से बाहर निकालता हूँ। तो जी पोटा और ये राजी कलेजी, ये दोनों मैंने अलग अलग बर्तन में रखे हैं, करते जी नेक्स्ट कार्रवाई। तो जी नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से है जी, हमने कढ़ाई में से तेल कम कर दिया हुआ है, ठीक है जी। ये करीब ज्यादा नहीं होगा, 3 से 4 टेबल स्पून होगा। इसमें डाल रहा हूँ जी मैं एक दालचीनी, भाई 1 चम्मच भाई काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, और ये जी सीक्रेट मसाला, 2 बड़ी इलायचियां, 2 छोटी इलायचियां कूट की है, ठीक है जी, कूट के डाल दो जी। भाई लगे हाथ डालेंगे जी कड़ी के पत्ते, ये ज्यादा पत्ते नहीं है, 12-15 पत्ते होंगे। खुशबू आना स्टार्ट हो गई जी मसालों से। अब हम डालेंगे जी पहले, सबसे पहले पोटा, सारे का सारा पड़ जाओ सारे, इन सबको प्रॉपर लेवल मिला लो इसके साथ। इस कर दिया से आप गैस का फ्लेम आप लो कर दो और कच्ची यू डिगा दो। इसमें डालेंगे जी 2 चम्मच कश्मीरी लाल का मिर्च का पाउडर, भाई धनिया का पाउडर 1 चम्मच, 1.5 टेबल स्पून भाई चिकन मसाला कोई भी चलेगा, ठीक है जी, चुटकी भर हल्दी, ठीक है जी, और लगे हाथ भाई चुटकी भर नमक भी डालेंगे, ठीक है जी, भाई स्वाद के अनुसार, भाई ध्यान है पहले भी डाला हुआ है उस हिसाब से। तो जी इन सबको इज्जत से ले आओ मार्केट में और मिला लो, और आधा गिलास पानी भी साथ में मिला ही दो, इसे अब प्रॉपरली अब मिक्स कर लो। अब इसे हाई फ्लेम पे आप करीब 3 मिनट तक पकाइए और कड़छी चलाते रहिए। तो जी 3 मिनट हो गए इसे पकते हुए, अब करना क्या है, अब अपने जो ब्राउन किए हुए प्याज है ना वो सब डाल देने हैं। ये मैंने 5 प्याजों को ब्राउन किया था जी, ठीक है जी। तो जी मिला, अब आपने कड़छी चलाते चलाते करीब 5 से 6 मिनट तक इसे पकाना है, पानी डालते रहना अगर पानी एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है जी, इसे हमने पकाना है प्रॉपरली, भूनना है इसको। तो जी करीब 5-6 मिनट हो गए जी इसे पकते हुए, और मैंने एक बार पानी भी डाला इसमें 1/2 गिलास, ठीक है जी, जो कि एब्जॉर्ब हो गया हुआ है। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपने गैस का फ्लेम लो करना है, कड़छी बाहर निकालनी है, इस पे ढक्कन रखो आप, ठीक है जी, भाई 10 मिनट के लिए। तो जी 10 नहीं पूरे 12 मिनट हो गए, चाक लो। ओ भाई ये स्थिति है, क्या स्थिति है, ये स्थिति है, देखो कलर, देख रहे हो कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, ठीक है जी। अब आपने इसमें सारी की सारी कलेजी डाल देनी है, डाल दो जी डाल दो, हाँ समझे मेरी बात, आप ये फार्मूला है फार्मूला। तो जी इसे आप मिक्स मुक्स कर दो और मैरिनेट कर दो जी मसाले के साथ और पोटे के साथ में। तो जी मिक्स मुक्स मैंने कर दिया है, ठीक है जी। अब करना क्या जी, इसमें हम डालेंगे जी 1 चम्मच भाई काली मिर्च का पाउडर और 1.5 चम्मच भाई गरम मसाले का पाउडर, ठीक है जी, बस। तो जी इसे अब आप प्रॉपरली अब मिक्स कर लो, ठीक है जी। अभी गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया हुआ है। तो जी लो जी मिक्स मुक्स मैंने कर दिया, ठीक है जी, सेट सूट कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे जी 1 गिलास पानी, 1 गिलास से थोड़ा सा कम, ठीक है जी, पूरा 1 गिलास नहीं। तो जी अब मिला लो दोबारा से और 1 उबाल का इसका वेट कर लो आप। तो जी उबाल आ चुकी है, और इस मौके पे चेक करना कि नमक वगैरह सब बराबर है ना, ठीक है ना, प्रॉपरली। तो अब करना क्या, करना कुछ नहीं है, गैस का फ्लेम आप दोबारा से लो करेंगे और इसे अब 15 मिनट के लिए भूल जाएंगे लो फ्लेम पे। तो दोस्तों भाई 15 नहीं पूरे 20-21 मिनट हो गए, चक लो। ओए होए भाई देखो, भाई देखो स्थिति, ये जी पोटा एंड कलेजी।
ठीक है जी, जो कि बन के तैयार है जी, करते हैं जी अब टेस्ट। तो लो दोस्तों भाई, बना ही दिया आखिर हमने भाई पोटा कलेजी चुका, या चुका पोटा कलेजी बोल लो भाई। देखो यार भाई, देखो स्थिति ये है कि भाई ये और ये आपको पता ही है, जैसे बनाया हमने, बाद में किया क्या कुछ नहीं भाई, ये धनिया हमने ऐड कर दिया भाई। आपको मालूम है ना, मैं बिना धनिया की चीज़ें खाता हूँ, क्यों? एक्चुअल टेस्ट मालूम करना होता है, तो इसलिए हमने इसको अलग अलग कर दिया भाई। अब देखो स्थिति, देखो स्थिति कैसा लग रहा है। ये रहा जी फोटा और कलेजी की गई, ये जी कलेजी है तो भाई। और साथ में क्या लिया जी? साथ में लिए जी ये निक्के मोटे प्याज, ठीक है जी। अब मुद्दा ये है कि भाई पोटे का टेस्ट कैसा है, हाँ पोटा कलेजी है भाई। भाई देखो पोटा कलेजी, वैसे मैं कलेजी पहले लेके नहीं आ रहा था, हाँ मैं कहा ना पड़ा भाई, कलेजी के बगैर पोटा नहीं और पोटे के बगैर कलेजी नहीं है, इनको इज्जत से लेके आओ प्लेट में अपने। भाई देखो जी, ये स्थिति है जी कलेजी की, देख रहे हो, हाँ एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है, सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं। और ये जी पोटा, तो भाई पहले हम देखते हैं ग्रेवी कैसी इसकी यार। और देखो टेक्चर, देखो टेक्चर आओ भाई, कर दो फोकस, कर दो फोकस, कर दो भाई। देखो ये जी काढ़ी का पाता है, है दिखने में सुंदर नहीं, तो आओ भाई टेस्ट करते हैं। वाह वाह वाह, प्याज एकदम क्रीमी क्रीमी बन गया हुआ है, वो बनने का पकता गया, पकता गया, कब से पक रहा था बेचारा यार, है एकदम क्रीमी क्रीमी, बहुत मीठा मीठा, मतलब प्याज और मसाले बहुत अच्छे बढ़िया फ्लेवर दे रहे हैं, कोई कमी नहीं है फिलहाल अभी। भाई अब मुद्दा की इस पोटे का, ये जो निक्का जी अब पोटा है भाई, पोटो फैन क्लब, देखो बहुत छोटा सा है, कमजोर सा है, देखो भाई अब ये खाने में कैसा होगा। हाँ भाई, इस ग्रेवी में भाई ये जो पोटा है ना, ये बहुत फ्लेवरफुल है, और समझ जाना मेरी बात को आप, ये पार्टी पूटी के लिए बहुत अच्छा स्नैक है। केवल पोटा, मैं कलेजी की बात नहीं कर रहा हूं, केवल पोटे की बात कर रहा हूं, समझ आना। अब मुद्दा है इस कलेजी का, पर्सनली मुझे कलेजी इतनी पसंद नहीं है, मालूम क्या कि पोटे में, इस चुक्के के रेसिपी में, ग्रेवी में भाई फ्लेवर आ जाए, हाँ क्या मालूम होता है ना भाई, हाँ क्या हो गया भाई, क्या चक्कर है आज भाई, कलेजी तो यार क्या फ्लेवर दे रही है यार, इस चुक्के के मसाले में बड़ा प्यारा फ्लेवर दे रही है यार। भाई स्वाद है यार, कलेजी खुद में बड़ी मीठी, कलेजी बहुत मीठी है, और जो ग्रेवी है इसकी, मसाला जो इसका ना, वो भी थोड़ा स्वीट स्वीट क्यों जा रहा है, समझे मेरी बात भाई, फ्राइड अनियन है भाई, अच्छा टेस्ट है, मतलब कि मुझे पोटे से कलेजी बहुत अच्छी लगी। अब मुद्दा ये है कि भाई जो धनिया से लैस किया हुआ पोटा कलेजी है, ये आपको क्या फ्लेवर देगा? ये तो ऑब्वियसली बात है भाई, देखो मैंने आपसे बताया पहले ही कि जो धनिया रहता है ये बहुत पावरफुल, मतलब कि ये चीज़ों को ना संवारता है, एक मेकअप है, मेकअप खूबसूरती लाता ही है टेस्ट की। भाई ये पोटा है, पोटा, पोटे में धनिया, हाँ अब देखता हूँ टेस्ट कैसा आएगा। धमाका भाई, जाबरा जाबरा, क्या फ्लेवर दिया यार। मैं देखो यही रीजन है कि मैं धनिया क्यों नहीं भाई यूज करता, मुझे एक्चुअल बताया, 10 बार बता रहा हूँ भाई, 100 बार बताया मैंने कि मुझे एक्चुअल टेस्ट कंफर्म करना होता कि जो हमने बनाया हुआ है कि वो बिना धनिया के कैसा टेस्ट देगा। वाकई में यार धनिया ने तो दशा चेंज कर दी, मतलब मसालों का फ्लेवर चेंज कर दिया इसने। क्या चीज़ है यार धनिया, क्या चीज़ है यार। अब मुद्दा ये जो कलेजी है, इसके ऊपर धनिया क्या धमाका फेरने वाला है। ओए ओए, वाकई में यार, अगर आज मैं चुक्के में खुश हूं ना, तो मटन चुक्का जो है उसके बाद आज मैं दोबारा खुश हो गया हूं भाई। मटन चुक्के के बाद सेकंड रैंक पे भाई कलेजी चुक्का, या पोटा कलेजी चुक्का बोल लो आप भाई, सेकंड रैंक पे है, फर्स्ट नंबर पे भाई मटन ही रहेगा। तो जी ये हो गया जी पोटा, ये हो गया कलेजी, भाई दोनों टेस्ट कर लिया।
अब जो मेन मुद्दा जी वो है जी अपने किंग का, मैं किंग को लेके आता हूँ इज्जत से। वैसे है तो नहीं ना एक किंग की रेसिपी है ना ये किसी रोटी राटी की रेसिपी है, ये बेसिकली रेसिपी है जी खाली खाली खाने की, या अगर रुमाली रोटी या पूड़ी वगैरह ना तो खा लो भाई। किंग को लेके आते हैं यार। तो लो जी भाई, किंग की एंट्री हो चुकी है आज तो। किंग बहुत बहुत खिला है, देखो 1, 2, 3 और 4 भी हो गया। वापस आ भाई, इज्जत से वापस आ, बहुत अच्छा बना जी आज। हाँ, तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये रेसिपी जो है ना भाई, ये खाली खाने वाली रेसिपी है समझो। अबे पहली बाइट, मजा आ गया यार। अब पोटा रखेंगे भाई, सच में कह रहा हूं इस मसाले का स्वाद किंग के साथ इतना लजीज आ रहा है, इतना बेहतरीन आ रहा है, मैं क्या ही बोलूं आपसे यार, सच में कह रहा हूं। अब पोटा रखेंगे, पोटा क्या फिरने वाला है। जबरदस्त। भाई धनिया वाले, धनिया तू गया जा, धनिया वाला लेते पोटा। अच्छा भाई, अब आप ये बताओ कि ये रेसिपी आप कब ट्राई करने जा रहे हो, ठीक है? अब मुझे पता है, अब आप पूछोगे भैया इसका रेट कितना है पोटे के लीजिए का। हाँ, पहले धनिया वाले बाइट खाता हूँ ना, फिर बताता हूँ रेट वगैरह क्या है इसका यार। वाकई में यार धनिया धनिया यार। अच्छा भाई, रेट जो है वो है जी 200 रुपये है, 200 रुपये किलो पोटा एंड 200 रुपये किलो कलेजी। मैं अलग अलग बिकता ही है, फिर हम कंबाइन करते हैं इसे, ठीक है जी। तो दोस्तों भाई, ये था जी पोटा कलेजी भाई चुक्का। आप ये ज़रूर ज़रूर ट्राई करना अलॉन्ग विद धनिया, ठीक है? धनिया फ्लेवर देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।